Sir. Okay. Guys, after learning with differential between stress and strain, right? Amrita, abhi mujhe padhna hai ki stress exactly hota kya hai, right? What is the stresses and what is the strains? So elasticity mein abhi maine kya observe kiya ki mera jo ratio hai stress by strain ka, wo kya constant hai. Or elasticity mein mera jo ratio hai stress by strain ka constant nahi hai. So I need to understand what exactly the stress is, right? Stress hota kya bachcha? Tension, tanav, normal word in the formula F force, right? Force per unit area. The stress ka formula is force per unit area. How much is force applied per unit area? For example, if you have a wire, if you have a wire, force applied on this force is nothing but deforming force. This is the cause of this. Right? Of course, this is force lag raha per unit area. Mein. Right? हर एक छोटी छोटी एरिया में कितना लग रहा है, दैट इज ओवर सर स्ट्रेस. ठीक है, सो स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, इसका यूनिट रहेगा फोर्स का न्यूटन और एरिया का रहेगा मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट. इफ आई वांट टू नो द डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या रहेगा, दिस इज योर यूनिट. इसका डायमेंशन क्या रहेगा, न्यूटन और ये मीटर. न्यूटन का फॉर्मूला है सिंपल एक्सप्लेनेशन. न्यूटन का फॉर्मूला मास का एक्सेलरेशन फोर्स होगा. अगर न्यूटन ने फोर्स डिस्कवर किया तो फोर्स का फॉर्मूला है के माइनस टू. राइट, अगर जूल आता तो जूल ने वॉल्टर डिस्कवर किया तो उसका फॉर्मूला लग गया. सो न्यूटन का मा होता है, मा का फॉर्मूला फोर्स प्लस मास. ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एल टू. ये थ्री होता तो थ्री, चार होता तो चार, बाकी सब जीरो. ये भी जीरो, ये भी जीरो. सर पुट डाउन एल एल टी, वन माइनस टू माइनस वन, वन माइनस जीरो वन, माइनस टू माइनस जीरो माइनस टू. ये क्या इसका डायमेंशन. तो फॉर्मूला है स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशन इज एल माइनस वन एन वन टी माइनस टू. फोर्स का इस फॉर्मूला से निकाला एम ए से फॉर्मूला से. नाउ गाइस लेट्स हैव अ लुक. There are three types of stresses in the body. First stress is known as a longitudinal stress. First stress is known as a longitudinal stress. What is longitudinal stress? आपका ये वाला stress जो होगा वो length के regarding होगा. ये वाला stress क्या होगा, length के regarding. तो आपके पास object है, आप object को खींच रहे हो, आप object को खींच रहे हो तो इसका elongation कैसा होगा, towards the length. तो इस तरह के स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. राइट, जो इस पार्ट में आएगा. दूसरा आपका होता है बलून. बलून में क्या होता है, आप यहां से प्रेशर लगाते हो, आई गेस यहां से आप स्ट्रेस लगाते हो, उसका वॉल्यूम चेंज होगा, कम ज्यादा होगा. इस तरह के हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस. तीसरा आप होता है शेप रिगार्डिंग. तीसरा होता है शेप रिगार्डिंग. शेप रिगार्डिंग में क्या होता है, आप थोड़ा सा अप्लाई करते हो तो इसका शेप चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल जेली हो गया, या आप लोग बचपन में खेला था गैलेक्सी वगैरह. यस सर. तो गैलेक्सी में क्या होता है, फोर्स अप्लाई करते हैं स्मूविंग, वहां पर सिर्फ शेप चेंज होता है. ठीक है, तो पहला वाला आप लोग देखने वाले लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसमें आपका चेंजेस जो होता है वो लेंथ के रिगार्डिंग होता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ वायर, आई हैव अ वायर. ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वायर के ऊपर कुछ फोर्स लगा दिया, मतलब फोर्स लगाने के लिए कुछ इसमें पैन में कुछ वेट एड कर दिया. वेट एड करने के कारण क्या होगा, नीचे फोर्स लगेगा और ये वायर के अंदर खिंचाव होगा. राइट, वायर के अंदर क्या होगा, खिंचाव होगा. सो कितना लगेगा इसके ऊपर स्ट्रेस जब मैं इसके साथ ये अप्लाई करूं, तो नेक्स्ट फॉर्मूला अपना फोर्स पर यूनिट एरिया, द बेसिक फॉर्मूला. राइट, अब मैंने फोर्स कितना लगाया, मास इनटू ग्रेविटी. इस वेट में, इस पैन में कुछ मास आएगा, दो ग्राम, तीन ग्राम, चार ग्राम इनटू ग्रेविटी, उतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा. एस इज नथिंग बट एनजी. और इसका वायर का जो एरिया है वो कितना रहेगा, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, सो फॉर्मूला इज एनजी अपॉन पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो देखो गाइस क्या होने वाला है इस वायर के साथ. जब अब मैंने इसमें दो ग्राम डाला, पैन में दो ग्राम डाला, उसको वायर थोड़ा खींचेगा. अब मैंने चार ग्राम डाला, वायर थोड़ा और खींचेगा. अब मैंने और उसमें डाला तो ऑफकोर्स वायर के अंदर जो खींचा होता है वो और ज्यादा होगा, तो वायर का शेप धीरे धीरे ऐसे चेंज हो जाएगा. पहले ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगा, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होने की गति पे आ जाएगा. इस तरह के स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. इसके
given by F by which modulus Fp upon pi r square. Okay. Now let's come to the second one. Bacha. Second one is volume. Volume stress. Second one is volume stress. What happened in volume stress? आपके पास एक गुब्बारा है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। नेक्स्ट कंसीडर प्रेशर लगाने से पहले इसका कुछ वॉल्यूम था भी। अब जब मैंने प्रेशर लगाया तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा। नेक्स्ट कंसीडर इसका पहले वॉल्यूम था बी वन, अब हो गया इसका बी टू, चेंज हुआ वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज नथिंग बट डेल्टा वी, राइट, डेल्टा वी। तो ऑफ कोर्स यस, इसमें क्या लगेगा, बेसिक कॉम्प्लेक्स फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, फोर्स पर यूनिट एरिया। आप मेरे को ये बताओ, जब मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा इसका वॉल्यूम कम होगा? यस, इसका वॉल्यूम कम होगा। सो ऑफ कोर्स यस, का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। सो फोर्स, यू नो दिस फॉर्मूला, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट, दैट्स योर पापा, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं चेंज इन प्रेशर हुआ, तो चेंज इन प्रेशर आप लिखोगे डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, बिकॉज जब आपने गुब्बारे में प्रेशर नहीं लगाया था इसका कुछ तो प्रेशर रहेगा पी वन, जब आपने इसके ऊपर प्रेशर लगाया तब इसका प्रेशर पी टू रहेगा, तो चेंज इन प्रेशर हुआ, तो चेंज इन प्रेशर इज एफ बाय ए, तो एस को मैं ऐसे लिख सकता हूं एस इक्वल टू डेल्टा पी ए। सो आप सबसे पहले डेल्टा पी की जगह एस की जगह डेल्टा पी इन टू ए डिवाइड बाय एरिया, एरिया जगह कैंसिल कर देते हैं डेल्टा, डेल्टा तो वॉल्यूम स्ट्रेस का क्या मिला मेरे को डेल्टा पी, हाउ आई गॉट एफ बाय ए एंड एफ को मैंने रिप्लेस किया, इसके साथ रिप्लेस किया डेल्टा पी इनटू ए, आई सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड आई गॉट, सो वॉल्यूम स्ट्रेस इज डेल्टा पी। तीसरा तरह का होता है व्हिच इज नथिंग नोन एज शेयरिंग, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस का लाइक अगेन फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट्स अ बेसिक। ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जली है, मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाला, नेक्स्ट कंसीडर इसका एरिया कितना है, ए बी सी डी, जैसे और जली इसका एरिया ए बी सी डी। अब आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर हल्का सा फोर्स लगाओ, तब क्या होगा, ये ऐसा मूव करेगा, राइट, तो नेक्स्ट कंसीडर मूव करने के बाद इसका पीछे का पार्ट स्टिक रहेगा, ये हो जाएगा बी से बी डैश, ये हो जाएगा सी से सी डैश। तो पहले इसका कितना था फोर्स, पहले जब इसका फोर्स लग रहा था कितना था एरिया डी ए बी सी डी, राइट, डिवाइड बाय समथिंग एरिया, एरिया, राइट। अब जब आपने लगाया तो कितना हुआ चेंजेस, ए बी डैश सी डैश डी डिवाइड बाय इसका एरिया, इसमें क्या चेंजेस होगा, सिर्फ शेप चेंज होगा, राइट, इसमें शेयरिंग का जो चेंजेस होता है वो शेप के रिगार्डिंग होता है, इसमें आपका वॉल्यूम के रिगार्डिंग चेंज। सो अगेन द फॉर्मूला इज अगेन इसका एफ बाय ए आई सम, सो फर्स्ट वन इज लॉमिनल स्ट्रेस इज गिवन बाय एफ बाय ए, फॉर्मूला इज एफ अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये लेंथ के रिगार्डिंग हुआ। दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेस होता है, इसमें प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, कितना कम होगा वो फॉर्मूला डेल्टा पी टू ए, सो ए गॉट कैंसिल आई गॉट डेल्टा पी। थर्ड वन इज शेयरिंग स्ट्रेस व्हिच इज शेप रिगार्डिंग, सिर्फ शेप चेंज हुआ तो आई गॉट द फॉर्मूला एफ बाय ए, ठीक है।